नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलची में। तो दोस्तों, हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, परासरण की परिभाषा है, एक अर्धपराग कला में होकर विलय का प्रवाह, कला के बगैर जल का प्रवाह, अर्धपराग में कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब हम इसको इंग्लिश में और देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। दोस्तों, इन ऑप्शनों को आप पाएं और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन। दोस्तों, यहाँ पर आप हिंदी वाले भी लगा लें। ऑप्शन सी, अर्ध परागव्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, जल वाय परासरण द्वारा बाहर निकलता है, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर सॉल्ट इट श्रिंक्स बिकॉज सलाइन वाटर एंटर द सेल, वाटर मूव्स आउट बाय एक्सटर्नल ऑस्मोसिस, साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट्स मिनरल सॉल्ट। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाटर मूव्स आउट बाय एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। तो दोस्तों, हिंदी वाले भी लगा लें। इसका सही आंसर, जल वाय परासरण द्वारा बाहर निकलता है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको इंग्लिश में। इफ़ ए सेल इज रिड्यूस्ड इन साइज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन सच अ सॉल्यूशन अकर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, सैचुरेटेड। दोस्तों, अब बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, रखी जाती है एक सम पराशरी विलयन में, एक अति पराशरी विलयन में, एक अल्प पराशरी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दोस्तों दिया हुआ, ए सेल इंक्रीजेस इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए आइसोमोटिक सॉल्यूशन, इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी दोस्तों एक अल्प परासारी विलयन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, परासरण के कारण, अंतर शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव्य कुचन के कारण। तो दोस्तों, अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। सीड स्वेल व्हेन केप्ट इन वाटर ड्यू टू ब्रॉडकास्ट, ड्यू टू अंडर एक्सप्लॉयटेशन, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्राडिक्शन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ड्यू टू अंडर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि ऑप्शन बी, अंतर शोषण के कारण। दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतर परासरण के कारण, अंतर शोषण के कारण, केशित्व के कारण, विजीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंग्लिश में देख लें, डूर्स मेड ऑफ वुड सोयल इन द रेनी सीजन ड्यू टू इंटरनल ट्रांसमिशन, ड्यू टू अंडर एक्सप्लोइटेशन, ड्यू टू कैपेबिलिटी
कैपिलरिटी ड्यू टू प्लाज्मो कोएगुलेशन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू अंडर एक्सप्लोइटेशन, यानी कि अंतः शोषण के कारण। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, अंतःप्रसरण के कारण, वाया प्रसरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, स्फीति के कारण। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेस डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू इंटरनल ट्रांसमिशन, ड्यू टू एक्सटर्नल ऑस्मोसिस, ड्यू टू इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ड्यू टू एक्सटर्नल ऑस्मोसिस, यानी कि वाया प्रसरण के कारण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों जल का आपको बताना है कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, वाय त्वचा द्वारा। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट बाय कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, एक्टोडर्म। तो दोस्तों जो जल यानी कि वाटर जल बोलते हैं इसको, जल और जाइलम, तो दोस्तों दोनों ही चीज़ एक ही हैं, तो मतलब कि स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से, आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जाइलम, ज और ज दोस्तों आ रहे हैं, तो जल कौन करेगा, जाइलम करेगा। और दोस्तों जो फूड होगा, भोजन फूड, तो उसको कौन करेगा, फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम पीएच से करते हैं या एफ से, सेम वॉइस आ रही है दोस्तों, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में, द वाटर अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स इन द सॉइल इज सेल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटी वाटर, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सेल वाटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इंग्लिश में देखते हैं, हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है, जस्ता, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहले हम इसको देख लेते हैं दोस्तों इंग्लिश में, खैरा डिसीज और मेनियचर डिसीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो ये हो जाएगा दोस्तों जिंक। क्या हो जाएगा, जिंक यानी कि जस्ता के कारण होता है। किससे दोस्तों, जस्ता के कारण खैरा रोग होता है धान में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, विटेल डिसीज ऑफ कर्ली फ्लावर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट, जिंक, मोबिलिटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोबिलिटियम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोबिलिटियम और कैल्शियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में और देख लेते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेस क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। पौधों में बाष्पोषण किसकी प्रक्रिया है, प्रकाश श्वसन, जल हानि, खाद्य उत्पादन, श्वसन। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, लाइट रेस्पिरेशन, वाटर लॉसेस, फूड प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटर लॉस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी जल हानि। दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, बाष्पीकरण, बाष्पोषण, बिंदु स्राव। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर पॉइंट कॉल्ड एवपोरेशन, सेक्रेशन, ट्रांसपिरेशन, गोनोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है बाष्पोषण में होता है, पत्तियों से
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है, पत्तियों से ऑक्सीजन निकलता है। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर आपको होता ना, इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम लीव्स इन द वाटर वेपर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया बात को उत्सर्जन मापी यंत्र है हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर, क्लाइनोमीटर। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं इंग्लिश में इसको, द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोमीटर, पोटोमीटर, क्लाइनोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटोमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, जड़, तना, पत्ती, पूरा पौधा। तो दोस्तों ये होती है पूरे पौधे में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, तो होल प्लांट। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा होती है वायु का निम्न वेग, निम्न नमी व ऊंचा तापमान, ऊंची नमी, भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। तो दोस्तों द कंडीशन इन विच ट्रांसपिरेशन विल अकर मोर रैपिडली इज ऑप्शन बी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ना ऑप्शन बी को, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो दोस्तों पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं, लीव्स हैव टू मेन फंक्शंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। दोस्तों यहाँ पर ये आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नोट्स चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा है उस पर मैसेज कर आप नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों 59 रुपीज़ इसका प्राइस है दोस्तों, जल्दी से आप ले लें इन नोट्सों को, आप पढ़ें नोट्सों से। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।